नायक बाय मानसी। सो टुडे वी विल डू क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। अब इसमें हम जानेंगे कि हिटलर कितना दुष्ट इंसान था और नाजिज्म क्या है। देखो, हिटलर ने ना नाजिज्म जो एक पार्टी है, नाजी पार्टी बनाई थी, और उसकी जो विचारधाराएं थी, जैसे वो सोचते थे, जो एक्शंस लेते थे, उसे प्रैक्टिसेस को, उन सबको मिला के क्या बोलते हैं, नाजिज्म, जो नाजी पार्टी फॉलो करती थी। और जो हिटलर के और नाजी पार्टी के सपोर्टर थे उन्हें नाजी बोलते थे, नाजीज। ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि हिटलर इतना दुष्ट था, उसने ऐसा क्या किया जो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। या तो हम अच्छे लोगों के बारे में पढ़ते हैं या फिर बुरे लोगों के बारे में, तो ये तो बुरा ही है। अब देखते हैं क्या इसने किया था भाई। देखो, इस बंदे ने ना जर्मनी में अपनी पावर स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी, और इसने सोचा था कि पूरा यूरोप मैं कॉन्कर कर लूँगा। इसने सोचा था आई एम द किंग, बट ऐसा हुआ नहीं। ट्राई तो उसने बहुत अच्छा किया, बट अंडर द शेडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी वेज्ड अ जिनोसाइडल वार। मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उस टाइम पर ये जर्मनी का वो था रूलर, काइंड ऑफ डिक्टेटर, तो इसने जिनोसाइडल वार की उसी के आड़ में, मतलब उस वॉर की आड़ में अपनी ही एक ऐसी वॉर स्टार्ट कर दी अपनी ही जर्मनी में, के जो वहाँ पे लोग थे जिनको ये अनडिज़ायरेबल समझता था, जैसे कि ज्यूज वगैरह, ये आर्यंस जो होते थे ना उनको बोलता था यही है बस प्योर बंदे, जर्मनी में यही रहने चाहिए, बाकी जितने भी हैं चाहे वो हैंडीकैप दो। इवन जो इम्प्योर जर्मन्स थे उन्हें भी इसने वो कर दिया था कि इनको भी ख़त्म करो, इनको मार दो। किस किस को मारा इन्होंने, देखो 6 मिलियन ज्यूज वर किल्ड। अब हिटलर की बात करते ही देखो मौसम भी ऐसा ख़राब हो गया। 6 मिलियन ज्यूज वर किल्ड, 2 लाख जिप्सीज। अब जिप्सीज क्या है, ये भी एक अलग टाइप ऑफ कम्युनिटी के लोग होते हैं जिनकी खुद की आइडेंटिटी होती है, ग्रुप सा बनाया हुआ होता है, उन्हें जिप्सीज बोलते हैं। 1 मिलियन पॉलिश सिविलियन, बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल सिविलियंस थे जो जर्मन नहीं थे प्योर या फिर बहुत ज़्यादा ही समझदार थे वैसे बंदे, उनको भी मार दिया। 7,000 मेंटली एंड फिजिकली डिजेबल्ड जर्मन्स, बताओ अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है ये तो। कह रहा था कि जिसके अंदर दिमाग कम है, थोड़ा सा अबनॉर्मल है, किसी काम का नहीं, हमारे डिसेबल्ड है, विकलांग है, उन्हें भी मार दो, चाहे वो जर्मनी क्यों ना हो प्योर हैं। और पॉलिटिकल अपोनेंट जो इसके खिलाफ, इसकी नाजी पार्टी के खिलाफ कुछ बोलते थे, उन्हें भी मार दो। भाई इतने लोगों को इसने मारा इस वॉर के आड़ में, और मास मर्डर किया, इनोसेंट पीपल भी कितने यूरोप के मर गए, क्योंकि सोच रहा था देख रहा कैसे गड्ढे में गिरे हुए इतने सारे लोग, ये हिटलर ने किया था। अब वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, जो सेकंड वाली थी वो हुई थी 1939 से 1945 में, सेकंड वर्ल्ड वॉर है ये। हिटलर ने इसका फ़ायदा उठा के अपनी जर्मनी में क्या हाल मचाया देखो। अब ये वॉर किन किन कंट्रीज़ के बीच में हुई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर, एक तो ग्रुप बोलते थे जिसको एक्सिस पावर्स, दूसरी एलीज, ठीक है। अब एक्सिस पावर में कौन कौन सी आती थी, ये हिटलर, जर्मनी, इटली एंड जापान, और जो एलीस थे उनके ग्रुप में आता था फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और यूएस और सोवियत यूनियन यानी कि रशिया, और कुछ एक्सटेंट तक चाइना भी। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई दोनों ग्रुप्स के अंदर, जीता कौन अभी ये भी बताती हूँ, अभी आगे इन्फॉर्मेशन भी समझो। एक जगह जिसे बोलते हैं न्यूरेमबर्ग, जो कि वहीं था जर्मनी में, वहाँ पे एक ट्राइब्यूनल सेट किया, ट्राइब्यूनल सेटअप किया, मतलब जिन लोगों ने मारा है ये सब किया है उनको सजा देने के लिए, एक शॉर्ट कोर्ट सा होता है जो ट्रायल लेता है, प्रॉपर कोर्ट नहीं होता, बस उस ट्राइब्यूनल होता है, अदर टाइप ऑफ सेटिंग होती है ये जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल सेटअप टू प्रोसिक्यूट नाजी वार क्रिमिनल्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस एंड ह्यूमैनिटी, जिन्होंने भी क्राइम किए शांति और ह्यूमैनिटी के खिलाफ, ह्यूमैनिटी के खिलाफ ही किया था जो भी इसने किया था, ये इंसानियत तो थी नहीं, तो उन क्रिमिनल्स को पनिशमेंट के लिए ट्राइब्यूनल बना। और इस ट्राइब्यूनल ने क्या किया, बस 11 नाजीज जो थे उनको डेथ सेंटेंस वो दिया, और कईयों को जिंदगी के लिए जेल दे दी। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बुरा हाल मचाया था, क्या ये जस्टिफाइड पनिशमेंट लग रही है तुम्हें, नहीं थी ना। अब एक बात तो यहाँ से तुम समझ ही गए होंगे कि ये पनिशमेंट जब इनको मिल रही है तो जीता कौन होगा, एक्सिस तो नहीं जीते होंगे जिसके अंदर जर्मनी आता है, कौन जीते होंगे, एलीज, तभी तो वो पनिशमेंट दे रहे हैं ना। अब ये पनिशमेंट उन्होंने पता है क्यों इतनी कम दी, ज़्यादा ब्रूटल क्यों नहीं दी जैसी इसके इनके काम थे हिटलर वालों के, नाजीज के और ये एक्सिस पावर्स के, इसलिए नहीं दी क्योंकि एलीज डोंट वांटेड टू बी हार्श
ऑन डिफीटेड जर्मनी एज दे हैड बीन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. मतलब वो सोचते थे कि भैया अब हम इन पे इतना हार्श नहीं होना चाहते जैसा हम पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ये हारे थे तब हुए थे. यानी कि जर्मनी जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हारी थी एलीज से और सेकंड में भी हार गई. तो पहले इनके साथ तो पहले बुरा हो चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इसलिए इस बार ही थोड़ा बख्श दिया एलीज ने इनको. अब यहाँ से बात उठती है कि हिटलर ने तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये सब किया, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी हारी तो कैसे, मतलब हिटलर कैसे इतना बुरा इंसान बन गया? एक कंट्री जो इतनी हार पहले झेल चुकी है फिर इतना गलत गलत कर रही है दूसरे टाइम पे, ये हिटलर कैसे? इसका पास जाना तो ज़रूरी ना, वो अब हम जानेंगे. और पता है जो ये सब क्राइम्स किए थे इसने, नाजीज ने उस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उसे बोला जा रहा था क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मतलब इंसानियत के खिलाफ जो भी क्राइम्स हुए थे. कई जगह वर्ल्ड में लोगों ने इसके अगेंस्ट बोला, वर्ल्ड वाइड लोगों ने ना वो करी इसकी कंडेमनेशन के ये गलत हो रहा है बहुत ज़्यादा. ठीक है, अब थोड़ा सा जानते हैं. इन मे 1945 जर्मनी ने इस डेट को, इस ईयर में, इन मई 1945 में, मैंने बताया ना 1939 से 45 तक चली थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो जर्मनी ने सरेंडर कर दिया एलीस को. और उन्हें पता था कि भाई हम इतना बुरा कर चुके हैं और अब जब हमने सरेंडर कर दिया है तो ये हमारे साथ क्या करेंगे भाई, इनको तो डर लगा, डर और डर के मारे ये हिटलर जिसने इतना बुरा किया लोगों के साथ, खुद ने क्या किया, मर गया फांसी लगा के, किसी को फेस भी नहीं कर पाया बताओ, और अपनी फैमिली को भी मार दिया और जो इसके नाजी सपोर्टर्स थे वो भी मर गए. कलेक्टिव सुसाइड करी इन्होंने बताओ. एक जगह तो बर्लिन में बंकर था, अप्रैल में जाके इसने और इसकी फैमिली ने वहाँ पे सुसाइड करी. देखो क्या फिर डिक्लेयर हो गया न्यूज़ में आगे हिटलर डेड. बताओ दर्दनाक मौत होनी चाहिए थी ना भी इसकी भी, जब इसने लोगों के साथ इतना गंदा किया था, इतनी गलत ट्रीटमेंट की थी जूस के साथ स्पेशली. अब मास सुसाइड्स हो रही है. अब जो उस टाइम पे नाजी सपोर्टर्स थे, नाजी पार्टी के, वो नाजीज थे मैंने बताया आपको, तो जब वो सपोर्टर थे तो उन्होंने भी क्राइम तो उन्होंने ही करे होंगे, हिटलर अकेला थोड़ी जाके मार रहा होगा, तो वो लोग भी जो सपोर्टर्स थे वो भी फांसी लगा लगा के मर रहे थे. मास सुसाइड हुई उस टाइम पे नाजीज की. वो डरपोक तो थे ही, पता है हमने इतना बुरा कर दिया है, अपना तो पता ही होता है ना लोगों को कि गलत किया हमने, कर्मा एवरीवेयर. तो नाजीज इतने सुसाइड करी और उस टाइम पे वन ऑफ द नाजीज एक था, उस बंदे का बेटा था हेलमट्स, उस लड़के का नाम था, 11 साल का बच्चा था, जर्मन बॉय. उसके फादर ने खुद को गोली मार ली थी, उसको बच्चे को पता भी नहीं था ऐसा क्यों हुआ, बट उसे ये बात नहीं पता थी कि जो उसके फादर थे वो एक नाजी थे. वो बेचारा बच्चा, उसने जब ये उसके फादर ने ऐसे किया, उससे पहले उसके मम्मी पापा रात को बात कर रहे होंगे कि क्या हम अपनी पूरी फैमिली को मार दें या फिर मैं सिर्फ खुद अपनी सुसाइड कर लूँ, मैं ही मर जाऊँ. तो ये डिस्कशन चल रही थी, इतनी हॉरिफाइंग डिस्कशन उसने सुनी थी, तो ना वो डर में भी जी रहा था. बाद में जब उसने ये चीज़ देख ली अपने फादर को इतना ब्लड में, ऐसी सिचुएशन में डेड देख के, कई 9 सालों तक तो उसने खाना खाने से मना कर दिया, अपने घर में खाता ही नहीं था. उसे लगता था कि 9 साल तक खाना नहीं खाया, उसे ये डर लगता था कि मेरी मम्मी जो है कहीं मुझे कोई जहर मिला के ना दे दे, मुझे भी मार दे, खुद भी मर जाए. 9 साल तक ये सिचुएशन थी. ये तो बस एक बच्चे की बात मैंने बताई है आपको हेलमेट की, और क्या क्या हुआ होगा बताओ. जब ऐसे करोगे तो भाई आपकी फैमिलीज तो सफ़र करेंगी करेगी. एवरी वन फेल्ट द राइज ऑफ नाजी जर्मनी कुड बी ट्रेस्ड बैक टू जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ. अब पता है जितने भी लोग थे जो वर्ल्ड में देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, ये जो हुआ जर्मनी हारी, हिटलर मर गया, ये हिटलर जो पावर में आया था ये कैसे आया, किस टाइम पे, तो लोगों ने क्या अपना वो लगाया, कंक्लूजन निकाला कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये हारे थे ना जर्मन में, उसी की वजह से ये ऐसी जर्मनी, नाजी जर्मनी बनी है, तभी राइज हुई है ये, क्योंकि हारने के बाद सिचुएशन बड़ी ख़राब हो जाती है, तो तभी हिटलर राइज किया है वहाँ पे. तो क्योंकि पहले जिस कंडीशन में आ रहे, जो भी वहाँ गवर्नमेंट थी, जो भी सिस्टम था, वो तो बेकार ही लगेगा लोगों को जर्मनी में कि ये तो भैया इसने तो हरा दिया हमें. और हिटलर उस टाइम पर अपनी अलग आइडियोलॉजी लेकर आया होगा, नाजी पार्टी बनाई ये वो, तभी उसने राइज किया, मौके का फ़ायदा उठाया. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हार के बाद ये राइज किया, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, 1914 से 1918 के बीच में. अब जो वेमार रिपब्लिक है, जर्मन रिपब्लिक की जब हम बात करते हैं उसे वेमार रिपब्लिक भी बोलते हैं, तो उसका बर्थ कैसे हुआ ये जानते हैं. पहले आ जाते हैं, पहले की बात करते हैं वर्ल्ड वॉर के टाइम के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं उससे पहले की, कि हिटलर कैसे राइज हुआ ये तो देखो मैंने पहले आपको ब्रीफ हिस्ट्री बताई कि हम क्यों हिटलर के बारे में बात कर रहे हैं.
क्योंकि इसने जर्मन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी कंट्रीज के ग्रुप के बीच में, उसके बीच में इसने फायदा उठा के अपनी कंट्री में ही ऐसी जिनोसाइड वार कर दी। सोच रहा था मैं मौके का फायदा उठाता हूँ, पूरा यूरोप हड़प लूंगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो मैंने देखा था उसका बदला लूंगा। लेकिन ये सब फिर एंड में क्या हुआ, मर गया, सुसाइड कर ली खुद। अब आते हैं बैक साइड पे कि क्या हुआ था पहले, बर्थ कैसे हुआ वाइमर रिपब्लिक, मतलब उससे पहले जब जर्मनी रिपब्लिक थी गवर्नमेंट क्या थी कैसे नहीं थी, वो हिटलर के राइज होने से पहले वो जानते हैं। देखो, वाइमर रिपब्लिक वॉज जर्मनी गवर्नमेंट फ्रॉम 1919 to 1933। 1919 से 1933 के बीच में जो गवर्नमेंट थी जर्मनी में उसको बोलते थे वाइमर रिपब्लिक। अब इस पीरियड में, ये कब का पीरियड है, वर्ल्ड वॉर वन के बाद का, ये देखो 1918 में ख़त्म हुई ना वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद वहाँ पे वाइमर रिपब्लिक का बर्थ हुआ। हार चुकी थे भाई जर्मनी, तो नाजी का राइज होने से पहले ये वाला सिस्टम चल रहा था वहाँ पे। और ये वाइमर क्यों नाम रखा गया भाई, वाइमर रिपब्लिक, क्योंकि वहाँ पे जर्मनी में एक टाउन था जिसका नाम था वाइमर, इसलिए वाइमर रिपब्लिक नाम रखा गया। अब देखो, जर्मनी और ऑस्ट्रियन एम्पायर था एक साइड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और एलीज थे एक साइड। अब एलीज में कौन थे उस टाइम पे, इंग्लैंड था, रशिया था और फ्रांस था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। सबने वॉर इसलिए ज्वाइन करी थी, इन्हें लग रहा था कि चलो भाई एक वॉर हो रही है इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज में, अगर हम जीत गए तो हम जल्दी, हमें विक्ट्री मिल जाएगी और जल्दी इतना एरिया हम गेन कर लेंगे, हमारा राज हो जाएगा एक, मतलब वर्ल्ड में ज़्यादा टेरिटरी हमारी हो जाएगी। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, ये वॉर इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुई जितना इनको लग रहा था कि जल्दी से जीत जाएंगे, ये बहुत लंबी वॉर खिंच गई और यूरोप के जो भी रिसोर्सेज थे वो सारे ड्रेन हो गए, बहुत ख़त्म हो गए, बहुत नुकसान हुआ। वॉर में तो बहुत नुकसान होते हैं, इनिशियली गेन बाय, बट इनिशियली जो स्टार्टिंग थी उसमें जर्मनी ने गेन किया थोड़ा बहुत जब उसने फ्रांस और बेल्जियम पे कब्जा कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था उसको। और एलीस ये थे पहले तो तीनों, इस टाइम पर यूएस नहीं था, लेकिन बाद में यूएस जब आया तो एलीस का जो ग्रुप हुआ वो हो गया और भी ज़्यादा स्ट्रांग। 1917 में एलीस के ग्रुप को ज्वाइन किया यूएस ने, और कैसे जीत गया, जर्मनी को हरा दिया और जीत गया। और सेंट्रल पावर्स जो भी थी ये एलीस के ग्रुप की, नहीं नहीं एंड वॉन डिफीट, सेंट्रल पावर्स इन्हें बोल रहे थे, ये इन्हें हरा दिया और जीत गए। और वर्ल्ड वॉर वन में फिर से एलीस जीत चुके थे, मतलब वर्ल्ड वॉर वन में फर्स्ट टाइम जीते थे, ये सिस्टम हुआ था, ठीक है। अभी देखो हिटलर का कोई रोल नहीं हुआ है यहाँ पे, अभी वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुई है और इसके बाद आया है वाइमर रिपब्लिक। इसके बाद होता है डिफीट ऑफ इम्पीरियल जर्मनी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार चुके हैं ये। अब हिटलर वहीं पर उस टाइम पर ना छोटा बच्चा था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे। देखो बताती हूँ आपको पूरी स्टोरी, जर्मनी हार चुकी है, जो एम्परर था वहाँ का, ही गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। अब उस टाइम पर भाई जो उस टाइम पर राजा था उसने कहा चलो भाई जो भी पार्टीज है पॉलिटिकल पार्टीज जर्मनी की, मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ जर्मन की पॉलिटी को एक बारी दोबारा से बना लो, अच्छी तरीके से मैनेज कर लो, कंट्री हो पाए तुमसे तो जो नेशनल असेंबली थी वो मिली वाइमर टाउन में, और उन्होंने इस्टेब्लिश किया एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। भाई ऐसे ही होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं सबसे पहले, और एक फेडरल स्ट्रक्चर बना दिया। तो जर्मन पार्लियामेंट को बोलते थे रेशटैग बोलते थे, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है बट लिखा ठीक है। द रिपब्लिक हाउ एवर वॉज नॉट रिसीव्ड वेल। अब ये जो रिपब्लिक बना लोगों को अच्छा नहीं लगा, खुद ही के बंदों को, क्यों, क्योंकि इन्हें पता था कि भैया एक तो इन्होंने इनको ये जो टर्म्स ही जिस कंडीशंस पे ये काम कर रहे हैं, ये तो फोर्सफुली हारने के बाद इनको ये टर्म्स आई है तभी ऐसे काम करे, क्योंकि एलीज ने बोला होगा ना अब तुम ऐसे काम करोगे, अब तो तुम हार चुके हो, तो वो खुद ही नहीं चाहते थे, लोगों को पसंद आती है जो भी हो रहा था उनकी कंट्री में हैं, और पसंद नहीं आ रहा था और विश्वास भी नहीं था, पहले ही हार चुके क्या ही चला लेंगे जर्मनी को, कोई विश्वास ही नहीं था भाई डेमोक्रेसी पे उठ चुका था। तो जर्मन पार्लियामेंट में उस टाइम पे जो इलेक्टेड लोग थे ना वो भी इक्वल और यूनिवर्सल वोट्स के द्वारा सिलेक्ट हुए हुए थे, ऐसा कुछ नहीं डिस्क्रिमिनेशन था कि वुमेन्स वोट नहीं देगी ये नहीं देगी, अच्छे से वोटिंग के बाद ये डेमोक्रेटिक सेटअप उन्होंने किया। और जब वॉर हारे वो तो एक ट्रीटी होती है, जैसे कुछ भी लिखते हैं ना कि अब ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये तुम हमें दो, इतना पेमेंट दो, इतनी कंपनसेशन भरो, ये वाली टेरिटरी हमें दो, तो लिखित में जब होती है एक ट्रीटी साइन होती है, तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो जगह का नाम है वहाँ पे हुई है ट्रीटी, जो बहुत ही बेइज्जती वाली हार्श और ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी जिसे बोलता है। पीस ट्रीटी क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वार खत्म हो गई, पीस आई है, इसी ट्रीटी के थ्रू बाद में ट्रीटी साइन हुई है, तो पीस ट्रीटी।
अब जर्मन इस ट्रीटी में क्या कंडीशंस थी कि जर्मन ने क्या खो दिया, एक तो ओवरसीज कॉलोनी जितनी भी थी उनकी वो खो दी, 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन जा चुकी थी और 13% ऑफ इसकी टेरिटरी एलिस के पास चली गई, 75% ऑफ आयरन जो था जर्मनी में वो गया, 26% ऑफ कोल गया, मतलब रिसोर्सेज देखो कितने नुकसान में जा रहा है। जर्मन हारेगा तो यही होगा, फ्रांस डेनमार्क और लिथुनैनिया जगह पे कोल गया, हैज़ टू पे और कंपनसेशन भी दी देखो, 6 बिलियन यूरोज पाउंड्स जो भी है ये, मतलब 6 बिलियन इतना मनी उन्होंने दिया। द एलीड पावर्स डीमेटेरियलाइज्ड जर्मनी टू वीकन इट्स पावर्स, मतलब जो एलीड पावर थी उन्होंने जर्मनी में जो मिलिट्री वाला सामान वामान था, मिलिट्री रिसोर्सेज थे जो भी थे वो भी डीमिलिट्राइज कर दिया, एकदम ले लिया ताकि ये पावर वीक हो जाए जर्मनी की। अब मिलिट्री पावर स्ट्रांग रहेगी तो बाद में फिर लड़ लेंगे हमसे, इनको वीक कर दिया, तोड़ ही दिया इनको। एलीड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड रिसोर्स रिच राइन लैंड, एक जगह थी राइन लैंड जर्मनी में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे वहां पे, वो भी एलीड आर्मीज ने ऑक्यूपाई कर लिए, और 6 मिलियन पाउंड्स भी देने पड़े बताओ। अब मैनी जर्मन्स हेल्ड न्यू वेमार रिपब्लिक, अब जो नया ही नई नई ये सरकार बन रही है इनकी जी हारने के बाद, तो कई जर्मन्स ने तो इन्हीं पे बर्डन डाल दिया, यही है कारण हमारे हारने का, बल्कि वो तो नए लोग बन रहे थे ना इलेक्ट होके बताओ, पिछले ओल्ड एम्पायर की वजह से हारे और ब्लेम इनको कैरी करना पड़ा, और जो भी इन्होंने यहाँ पे हुआ ये भी बेइज्जती हुई है जर्मनी की जो वर्सेल्स में, उसकी भी जिम्मेदारी है इसी नए वेमार रिपब्लिक को ठहरा देते वहाँ के लोग ज़्यादातर, जिनमें थोड़ा सा वो था दिमाग के भाई ये तो नए नए वो हो रहे हैं इलेक्ट, इनका क्या दोष है, जो पहले जिन जो लोग मैनेज कर रहे थे उन्हीं की वजह से हारे हैं, लेकिन कुछ लोग इनको ब्लेम कर रहे थे पूरा पूरा। इफेक्ट्स ऑफ वॉर जो हुए क्या क्या हुए जर्मनी पे, देखो वॉर का इफेक्ट अच्छा तो होता ही नहीं है, डिवास्टेटिंग इफेक्ट था साइकोलॉजी भी फाइनेंशियल भी, और जो क्रेडिटर्स थे जो यूरोप के यूरोप में पहले तो देने वाले लोग थे पैसे क्रेडिटर्स, वो बाद में बन जाते हैं वॉर के बाद क्या डेटर्स, जिनको पैसे देने हैं बताओ, जो पहले उधार देते थे वो अब लेने वाले बन गए हैं बताओ, क्रेडिटर्स से डेटर्स। द सपोर्टर्स ऑफ वेमार रिपब्लिक, और जो भी इस वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे ना उनको भी क्रिटिसिज्म मिल रहा था कि ये इनकी वजह से हम हारे हैं, इनको तुम क्या सपोर्ट कर रहे हो, और वो कौन बंदे थे जो सपोर्ट कर रहे थे इस नई नए सिस्टम को, सोशलिस्ट कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स, जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, सोसाइटी सोशलिस्ट में बिलीव करते हैं, मतलब सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं कि सोसाइटी के लिए वैसे काम करना, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना, ऐसे ही डेमोक्रेटिक सिस्टम होना, कैथोलिक्स ये सब फेवर कर रहे थे, और बाकी जो दूसरे कंजर्वेटिव टाइप्स ऑफ लोग थे जिनका विश्वास ही उठ चुका था इन चीज़ों से, वो इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। अब वेमार रिपब्लिक करा ओल्ड एम्पायर ने जो भी बुरा वो भर रहे हैं ये वेमार रिपब्लिक वाले लोग, बेचारे गिल्ट में जी रहे थे, नेशनल ह्यूमिलेशन हो रही थी वो अलग। कई बार ये जो सपोर्टर्स थे ना वेमार रिपब्लिक इनका मजाक भी उड़ाया गया ऐसे बोल के नवंबर क्रिमिनल्स नवंबर क्रिमिनल्स क्यों बोला जाने लगा इन्हें भाई, क्योंकि ये वर्सेल्स ट्रीटी जो हुई थी ये हुई थी नवंबर में, कह रहे नवंबर के पहले तो मारा जिन्होंने वो अलग थी, ये नवंबर क्रिमिनल्स आए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डीप इम्पैक्ट जो था यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी पे पड़ा, उसमें ये सोल्जर्स की बड़ी बुरी हालत हो गई, ये सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस, सिविलियंस से ऊपर तो उनको माना ही जाता है नॉर्मल लोगों से, लेकिन इनकी लाइफ इतनी खराब हो गई थी, मिजरेबल, ऐसे छोटे छोटे ट्रेंचेज में रह रहे थे जहाँ पॉइजनस गैसेस थी, एनिमी शेलिंग होती थी, मतलब दुश्मनों का वो कुछ पता नहीं था क्या कर दे इनको, कब मार दे, विटनेस दे रैंक्स, और जो उनकी रैंक्स थी वो भी रिड्यूस हो गई, देखना कैसी कंडीशन में रह रहे हैं ये, देखो सोल्जर्स की ये हालत थी। एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा, और उस टाइम पर ना एकदम से वो हो गया कि ये डेमोक्रेसी से तो कुछ होने ही वाला है, अग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा होना चाहिए, लड़ाई भिड़ाई वाला सिस्टम बनाओ सबके अंदर के, लड़ाई करो और वैसे जीतो, ऐसे शांति से तो हम जीतने नहीं वाले, हार चुके पहले। नेशनल ऑनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई हमें ऑनर मिलेगा, नेशनल नेशन के लिए कुछ करेंगे, ऐसे लड़ेंगे बढ़ेंगे, तो फ्रेजाइल डेमोक्रेसी कुड नॉट, और इन लोगों को लग चुका था ये जो डेमोक्रेसी वगैरह बनाने की कोशिश हो रही है ये तो सर्वाइव कर रही नहीं वाली, और इंस्टेबिलिटी आ गई फिर यूरोप के अंदर, ठीक है। सपोर्ट ग्रू फॉर कंजर्वेटिव, और जो कंजर्वेटिव टाइप ऑफ लोग थे जो ये डिक्टेटरशिप चाहते थे कि ऐसे डिक्टेटर आ जाए एक बंदा जहाँ डेमोक्रेसी ना हो, वो अपनी अपना रूल वूल करे, थोड़ा हार्श सा हो, अग्रेसिव वॉर में बिलीव करे, तो उसके उसको सपोर्ट कर रहे थे ये लोग कंजर्वेटिव्स, इनको भी और सपोर्ट मिलने लग गया, तो ये डिक्टेटरशिप वाला सिस्टम से आने लगे, डेमोक्रेसी का तो कुछ हो नहीं पाया वहाँ पे। अब पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ वहाँ पे, मतलब सिचुएशन खराब हुई,
और भी ज़्यादा इन लेवल्स पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक एंड यू रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग। अब देखो एक बात बताओ, जो रिवॉल्यूशनरी लोग थे वो ट्राई कर रहे थे कि नहीं भाई डेमोक्रेसी सेटअप हो जाए हमारी, जैसे कि रशिया में हुई थी ना बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। वो तो स्पार्टेसिस्ट लीग जो थी वैसी वाली, ये लोग उठ रहे थे स्पार्टेसिस्ट लीग, जो कि इस चीज़ में बिलीव कर रहे थे कि सोसाइटी के लिए काम करे, ऐसी रिवॉल्यूशन लाए, वर्कर्स का ग्रुप था, सोल्जर्स का ग्रुप था, ये जो लोग उठ रहे थे, अपराइजिंग हो रही थी इनकी, चाह रहे थे कि भाई ऐसी डेमोक्रेसी हो, इनको दबा दिया गया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होएगी होएगी जब एक तरीके लोगों में बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो रहे हैं विचारों में, और जर्मनी में जब ये सिचुएशन हुई। अब देखो जो ना, जो लोग डेमोक्रेसी चाहते थे सोवियत स्टाइल वाली, जैसे वो रशिया में थी, सोवियत यूनियन वहीं तो थी, यूएसएसआर वगैरह इस्टेब्लिश हुआ था जो, तो उस टाइप की जो गवर्नेंस चाह रहे थे वो तो सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स थे, एक ग्रुप तो ये था, और एक था जो ये एग्रेसिव डिक्टेटरशिप चाहते थे जो, तो इनके बीच में ना एक प्रॉपर दुश्मनी सी मेंटेन हो गई, स्टार्ट हो गई वहाँ पे जर्मनी के अंदर, के भैया ये तो दो दुश्मन ग्रुप है, ऐसा सिचुएशन वहाँ पे हो चुकी थी। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन स्टार्ट हो गई कि ये अलग है ये अलग है भाई। 1923 में इकोनॉमिकली भी बहुत नुकसान स्टार्ट हो गया, इकोनॉमी ख़राब हो गई वहाँ की, बिजनेस वगैरह सब ठप, बहुत बुरा हाल हो गया था, मतलब हाहाकार वाली सिचुएशन हो जाती है ना, वो हो चुकी थी भाई जर्मनी के अंदर। जर्मनी हैड फॉट द वॉर, और जो उन्होंने लड़ाई करी ज़्यादातर लोन्स पे, और बाद में एक तो लोन्स पे पहले ही लड़े थे वो, और फिर बाद में और उन्हें जो देना पड़ा 6 बिलियन पाउंड जो दिए, और जो उनके पास गोल्ड था उसके थ्रू उन्होंने पेमेंट करी, जो भी किया उससे नुकसान भरा, और तो इसकी वजह से ना जो गोल्ड रिसोर्सेज थे वहाँ पे वो भी डिप्लीट हो गए, वो कम हो गए। 1923 में जर्मनी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि भैया अब हम पैसे नहीं हैं, हम कैसे दें। तो फ्रेंच ने क्या किया, जो वहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया था, जीता था भाई फ्रांस, तो वो कैप्चर कर लिया, जिसका नाम था RUHR, रूर टू क्लेम देयर कोल, के वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में कोल था जो भी, वो आ गया भाई फ्रेंच के अंडर, चलो पैसे नहीं दे सकते एरिया दे दो। जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। अब जर्मनी एकदम एक्टिवली उसके अगेंस्ट तो बोल नहीं सकती कि क्यों ले रहे हो भाई, हारे हैं भरना तो पड़ेगा भुगतान। उन्होंने क्या किया कि चलो भाई तुमने हमारे ये ले लिया ना, जो भी चीज़ें हमारे रिसोर्स खराब कर रहे हो तुम, हम पेपर करेंसी छापेंगे, मतलब नोट छाप लेंगे, और दबा के उन्होंने नोट छापे, तो जो वैल्यू थी मार्क की, जो वहाँ की करेंसी थी जर्मनी की, वो भी कम हो गई, जो लोग गुड्स के प्राइस थे वो ज़्यादा बढ़ गए। इन अप्रैल 1923 यूएस डॉलर, मतलब इतने प्राइस गिर गए थे वहाँ, करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई थी कि एक यूएस डॉलर 24,000 मार्क्स के बराबर था। बताओ 24,000 मार्क्स जो करेंसी है वहाँ की वो लगेगी सिर्फ एक यूएस डॉलर को खरीदने में, बताओ ये डिफरेंस आ रहा था। और दिसंबर 1923 तक तो ये फिगर ट्रिलियन में चली गई, मतलब इतने ज़्यादा लेवल पे गिर चुकी थी वहाँ की करेंसी। और जो वहाँ पे ये अपराइजिंग हो रही थी, ये तो तुम्हें पता ही है, जो ये डेमोक्रेट्स वगैरह वाला ग्रुप जो उठ रहा था, इनको तो जो वॉर वेटरन ग्रुप थी, ऑर्गेनाइजेशन थी एक फ्री कॉप्स करके, जो वॉर में लड़े थे ना लोग, उसके बाद उन्हें वेटरन्स उन्हें बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं किसी चीज़ में, तो जो सोल्जर्स लड़े थे एक वेटरन्स जिन्हें माना जाता, उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, उन लोगों की हेल्प से इनको दबा दिया गया है कि ये जो बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं इनको दबा दो। इमेज ऑफ जर्मन्स, ये देखो क्या सिचुएशन हो गई थी, देखो इतने नोट लेके जाना पड़ा था सिर्फ एक ब्रेड की वो खरीदने के लिए लोफ, ये बहुत वर्ल्ड में एक लोगों को तरस आया ये इमेज देख के, वर्ल्ड वाइड सिंपथी क्राइसिस को, ये जो हुई सिचुएशन इतनी ज़्यादा महंगाई, उसको बोलते थे हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, तो ये सिचुएशन वहाँ पे आ चुकी थी, बहुत ज़्यादा प्राइस हाई हो गए थे और करेंसी की वैल्यू बिल्कुल डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट, बैंक्स की हालत खराब, सब कुछ मतलब बहुत इकोनॉमिकली सिचुएशन खराब हो गई थी। और जो स्पार्टेसिस्ट थे उन्होंने लेटर अपनी एक वो बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, जो बेचारे डेमोक्रेसी चाहते थे उन्होंने ये बनाई, और सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट बिकेम एनिमीज, ये तो मैंने बताई दिया आपको, दोनों दुश्मन बन गए थे, एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर। अब देखो हिटलर की अभी मैंने एग्जैक्टली आपको बताया नहीं कैसे आया है अभी, लेकिन एक बैकग्राउंड चल रहा है, देखो वॉर के बाद ये वाली अग्रेसिव आइडियोलॉजी चल रही है जो हिटलर की थी, लड़ाई भिड़ाई वाली,
बोथ रिवॉल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशंस। अब जो रिवॉल्यूशनरीज जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, दोनों ही तरीके के लोग, ये चाहते थे कि भैया कुछ तो सॉल्यूशन आए। अब लोग भी थक चुके थे ये सिचुएशन देखने के बाद कि अब तो भाई कैसे भी हमारी हालत सुधर जाए, चाहे हिटलर जैसा बंदा आ जाए। लोग तो चाहते थे कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। वेज अमेरिकन इंटरवीन टू हेल्प जर्मनी। अब ये हाइपर इन्फ्लेशन के बाद ना अमेरिकन ने हेल्प करने की कोशिश करी। ये लेके आए डेव्स प्लान है, और इस प्लान के थ्रू उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन कुछ ऐसी करी रिपेरेशन की। रिपेरेशन क्या है कि जो तुमने भुगतान करा उसकी भरपाई तुम्हें मतलब जो भी तुमने नुकसान किया उसकी भरपाई करो, उसे रिपेरेशन बोलते हैं। तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है इस डेव्स प्लान में उन्होंने चेंज थोड़ी सी कर दी, ईजी कर दी, ताकि फाइनेंशियल बर्डन है जो जर्मन्स पे वो थोड़ा सा कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। अब वहाँ पे आ गया डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस वाली सिचुएशन, हाइपर इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा बुरी हालत इकोनॉमिक, उसे बोलते हैं डिप्रेशन। तो डिप्रेशन जो ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं वो यहीं पे आया, और किस ईयर्स में 1924 से लेके 1928 के बीच में जो थे थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई इस टाइम में डेव्स प्लान की वजह से, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जर्मनी टोटली डिपेंड हो गई यूएस पे शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए। यूएस ने कहा कि चलो हमसे पैसे ले लो दोबारा से लोन पे लोन, और फिर हमारी जो भी ये भुगतान है रिपेरेशन वो कर लो। तो किस बात का सपोर्ट है, तो अभी भी लोन में ही सपोर्ट। वॉज विदड्रॉन विद द क्रैश इन 1929 ऑफ द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। अब जैसे कि यहाँ पर चलता है शेयर मार्केट वगैरह, निफ्टी वगैरह जो भी है शेयर मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो उस टाइम पर वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यूएस में जो था वो हो गया क्रैश 1929 में। तो उसकी वजह से जो ये सपोर्ट यहाँ पे कर रहे थे जर्मन को, वो भी उन्होंने हटा लिया कि भैया पहले लॉस हो गया, अब इनको क्या सपोर्ट दें हम। तो क्या सिचुएशन है ये फिर तो देख लो, जिस पे सपोर्ट पे डिपेंडेंट थे वो, उनकी भी सपोर्ट आना उनके थ्रू ख़त्म हो गया था। अब प्राइजेस बहुत ज़्यादा उन्हें लग रहे थे कि भैया जिन लोगों ने भी ट्रेडिंग वगैरह इकोनॉमी में जो शेयर्स वेयर्स खरीदे थे, उन्हें लग रहा था भाई अब तो प्राइस गिर जाएंगे हमारे शेयर्स के। तो ऑन अ सिंगल डे 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर्स बेच दिए गए इस डर में कि भैया अब क्या फ़ायदा रखने का, लॉस हो जाएगा। और यहीं से स्टार्ट होता है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। बिटवीन 1929 से 1932 द नेशनल इनकम ऑफ यूएस फेल बाय हाफ। अब यूएस की जो नेशनल इनकम थी वो इतनी ज्यादा गिर गई कि वो बिल्कुल हाफ हो चुकी थी 1929 से 32 के बीच। 1929 इज द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, जहां पर स्टार्ट हुआ। सबको आपको नॉलेज होनी चाहिए कब स्टार्ट हुआ, यूएस में स्टार्ट हुआ, क्योंकि वहां का ये वॉल ऑफ वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था वो क्रैश हो गया था, उसकी वजह से वर्ल्ड को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इफेक्ट्स तो पड़ेंगे, कितने लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट थे, जैसे कि जर्मनी। जर्मन इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय द क्राइसिस, ये तो हमें पता ही, वर्स्ट हिट इसी का हुआ, ज़्यादा इफेक्ट इसी पे पड़ा। बेकार सपोर्ट ऑफ यूएस चला गया था, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो थी जो 1929 के लेवल में होती थी ना, उसके कंपेरिजन में 40% कम हो गई। बताओ इतनी कम हो गई। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स चली गई, कम वेजेस में काम करे थे लोग, सोसाइटी में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, अनरेस्ट वाली सिचुएशन थी, लूटपाट, क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही थी, जो यूथ थे वो तो अनएम्प्लॉयड बेरोजगार हो चुके थे। क्या करते थे, पत्तियां खेलते थे, बताओ, प्लेड कार्ड्स, कभी कभी स्ट्रीट के कॉर्नर्स पे गलियों में बैठे रहते थे वही फालतू वेले बंदे बन के। क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ गई थी, लूटपाट मैं बताया आपको। सेविंग्स जो मिडिल क्लास लोग थे, सेविंग्स पे ही अपनी सेविंग्स वगैरह करके ज़्यादा सर्वाइव करते थे, तो वो उनकी सेविंग्स कम हो गई, खर्चे ऐसे हो रहे थे इतना ज़्यादा, करेंसी की वैल्यू डाउन, बिजनेसेस ठप। ओनली ऑर्गेनाइज वर्कर्स जो थे वो ही एक अपना सर थोड़ा ऊंचा करके चल पा रहे थे, क्यों, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज वर्कर्स थे, जैसे कि सरकार की नौकरी वाले। पीजेंट्स जो थे किसान, वो भी बेचारे सफ़र कर रहे थे, एग्रीकल्चर प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। वूमन जो थी वो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही थी, बैंक्स बर्बाद हो गए थे, बंद हो गए थे, देखना बेचारे कैसे बैठे हुए हैं, क्या सिचुएशन आ गई है ना जर्मनी में आने के बाद। टू बिकम इम्पॉवरिश्ड टू द लेवल ऑफ, और पता है जो मिडिल क्लास लोग थे वो तो डरने लग गए थे, कहीं हमारी भाई प्रोलेटेरियात होते थे जो वर्कर्स बोलते थे उनको, तो वैसी वाली सिचुएशन हमारी ना आ जाए। मिडिल क्लास लोग सोच रहे थे कि भैया बिल्कुल मजदूरों वाली हालत ना हो जाए हमारी, उनको डर लगने लग गया था कि इतने बुरे हाल हो रहे हैं ये देखना। अब वेमार रिपब्लिक में उस टाइम पे क्या डिफेक्ट थे जो लोग उसमें बिलीव भी नहीं कर रहे थे, इतना फ्रेजाइल क्यों बोल रहे थे उसको, क्योंकि एक तो अनस्टेबल था, वल्नरेबल डिक्टेटरशिप थी, पता नहीं था कि क्या रूल करेंगे कैसे करेंगे, कोई लोगों का विश्वास भी नहीं था उस पर। एक तो बात ये थी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थी उसमें,
एक बंदे जैसे एक मेजोरिटी पार्टी होती है वो रूल करे, सब लोगों का सपोर्ट है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। वहां पे तो कोलिशन हो रही थी, गठबंधन, ये सरकार मिलके, ये वाली पार्टी मिलके, ये वाली इकट्ठे इकट्ठे मिलके कुछ सरकार बना रहे हैं, उनमें आपस में ही मेजोरिटी नहीं हो पा रही है ढंग से, तो क्या ही सरकार चलाएंगे, कोलिशन वाली गवर्नमेंट हो रही थी। और एक आर्टिकल 48 को रिस्पॉन्सिबल माना गया, वेमार रिपब्लिक का डिफेक्ट माना गया ये, जिसने प्रेसिडेंट को पावर दी कि वो जब मर्जी इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है एक कंट्री में, जिसमें सिविल राइट्स छिन जाते हैं लोगों के, जो भी राइट्स होते हैं, और डिक्री का रूल हो जाता है कि जो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है कोई भी ऑर्डर निकालेगा वही चलेगा, बाकी कोई भी किसी स्टेट की सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। इमरजेंसी वाली सिचुएशन एकदम जैसे इंडिया में इंदिरा गांधी ने की थी। ऑन एन एवरेज 239 डेज 20 डिफरेंट कैबिनेट लास्टेड, मतलब इतने दिनों तक ही बस जो अलग अलग कैबिनेट थे वो लास्ट कर पाए, ज़्यादा लंबे चल ही नहीं पाएगी। वेमार रिपब्लिक के डिफेक्ट थे जो, इसलिए इसको फ्रेजाइल वर्ड बहुत ज़्यादा बोला जाता था कि कुछ पता नहीं है इसका भाई, नाजुक सा रिपब्लिक। येट क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, इतना कुछ ये ट्राई कर रहे थे बट क्राइसिस मैनेज नहीं हो पा रहे थे कि लोगों का कॉन्फिडेंस हट चुका था कि डेमोक्रेसी हो गया, भाई इतना ही था बस, इतना ही सपोर्ट था, अब नहीं हो पाएगा हमसे। तो फिर क्या हुआ, इसका रिजल्ट हुआ हिटलर आया पावर में। अब आपको एग्जैक्टली हिटलर का रोल यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो क्राइसिस आ रहे हैं इकोनॉमिकली पॉलिटिकली सोशली हर लेवल पे लोग परेशान हैं, हिटलर को मिला मौका, इसने बनाई अपनी नाजी पार्टी। देखो रेड फ्लैग, पार्टी का फ्लैग भी रेड फ्लैग ही है, तो ये बंदा कैसे ग्रीन फ्लैग हो सकता है, ये रेड फ्लैग ही था। एक स्वास्तिक इसका सिंबल था पार्टी का, नाजी पार्टी का। अभी कैसे क्या हिटलर की पर्सनल बातें जानते हैं थोड़ी सी। ये बॉर्न हुआ कहाँ, ऑस्ट्रिया में 1889 में, और अपना जो इसका यूथ था वो इसने पॉवर्टी में भुखमरी में बिताया। ही अर्न मैनी मेडल्स फॉर द ब्रेवरी इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसने बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाई, उसके लिए उसने बहुत ज़्यादा मेडल्स जीते। मतलब इतना बुरा इंसान जो बना बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फ़ायदा उठाया, इतना बुरा बुरा किया, उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्ट लिया था इस बंदे ने। जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम, मतलब जो जर्मन हारे थे ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसने इसको डरा दिया था, इसलिए ये ऐसा बना। ट्रीटी ऑफ वर्साइज जो हुई थी, इतनी बेस्ती वाली ट्रीटी, उसने भी इसको डरा दिया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये आर्मी में इनरोलमेंट करी थी इसने, उसमें एक मैसेंजर का काम करता था, इधर से उधर संदेश पहुंचाना, और कितना खतरे का काम होता है वॉर के टाइम पे ये तो आपको पता ही है। तो एक कॉर्पोरल जो छोटा सा वो था, जिसे छोटा अधिकारी बोलते हैं, वो ये बन चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, छोटा बच्चा था ये, उस टाइम पे यही कर सकता था। अब 1919 में क्या होता है, इसने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करी, और बाद में उस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने में, अच्छे से और ज़्यादा ग्रो करने में इसने वो की कंट्रीब्यूशन, और उसका नाम बाद में क्या रख दिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको क्या नाम दिया, नाजी पार्टी। ठीक है, ये उसका सिंबल था। नाजिज्म, मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, जो इस पार्टी की आइडियोलॉजी है, वो मास मूवमेंट बनी ज़्यादातर कब, किस टाइम पे, जब ग्रेट डिप्रेशन का टाइम है, जब जिस टाइम पे लोग परेशान होंगे उसी टाइम पे तो ऐसे सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अब यही कुछ अलग सा करने को ट्राई कर रहा था तो लोग तो सपोर्ट करेंगे, चलो भाई वैसे तो कुछ हो नहीं पा रहा, लोन्स में जा रहे हैं, परेशान है, यही क्या पता कुछ कर दे, सब होप इस पे आ रही थी, तो इसने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। नाजी प्रोपोगंडा इसने स्टार्ट किया होप्स, ताकि लोगों को बेटर फ्यूचर की होप्स दी कि अब अच्छा हो जाएगा सब, बहुत बेकार हो लिया, नेताओं वाला सिस्टम भाई, प्रोपोगंडा चला रहा था ये पूरा। 1923 तक तो इसने प्लान किया कि अब मैं बेवेरिया का कंट्रोल कर लूंगा जगह का, फिर बर्लिन में इसने मार्च किया पावर कैप्चर करने के लिए वहां पे, बट फेल हो गया, अरेस्ट भी हो गया बताओ। और फिर इस पे अरेस्ट होने के बाद जो ट्रायल वगैरह होता है वो हुआ, लेकिन बाद में ये छूट गया। नाजीज कुड नॉट मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल अर्ली 1930s। अब जब 1930s तक नाजी को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन ये अभी बताया 1929 ग्रेट डिप्रेशन, मौके का फायदा, हेल्प हुई नाजिज्म को, सपोर्ट उस टाइम पर ज़्यादा मिला, उससे पहले नहीं मिल पा रहा, जब बहुत ही बुरी हालत हो गई तब लोगों ने ध्यान देना इस पर शुरू करा। 1928 में नाजी पार्टी को बस 2.6% वोट मिले रेशटैग में, जो कि इनका पार्लियामेंट बोला जाता है जिसे। 1932 में ये लार्जेस्ट पार्टी बन गई 37%। देखो इतना बदलाव आ गया, पहले 2.6 थे, अब 37% ऑफ वोट मिल गए, क्योंकि 1932 तो डिप्रेशन के बाद का ही टाइम है ना। अब हिटलर की क्या क्या एट्रीब्यूट्स थे वो जानते हैं। एक तो ये पावरफुल स्पीकर था, इतनी बड़ी पार्टी चला रहा है, आइडियोलॉजी कुछ तो इसमें क्वालिटीज होगी ना लीडरशिप वाली। एक तो इसमें स्पीकर अच्छा था, बोलता जो बात था वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर देती थी, पैशन होता था इसकी बातों में कि लोग जो ये कह दे लोग उसकी बातों को मान ले, फॉलो कर ले, लीडर की यही तो क्वालिटीज है। ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग, लोगों को प्रॉमिस किया कि अब मैं स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा, ऐसे कभी नहीं आ रही है, पूरी इंप्लॉयमेंट होगी, बेरोजगारी नहीं होगी, अब भूल जाओ बुरे दिन खत्म हो चुके हैं। डिवाइज अ न्यू स्टाइल ऑफ, अलग टाइप का स्टाइल इसने पॉलिटिक्स में
लेके आया, जिसमें ये रिचुअल्स और मास मोबिलाइजेशन पे इसने फोकस किया। मास मोबिलाइजेशन क्या है कि लोगों को इकट्ठा करना, बहुत ज़्यादा रैलीज निकालना और रिचुअल्स करना, जैसे ताकि रिलीजन से जोड़ के चीज़ों को लेके चलो ना, तो लोग ज़्यादा ध्यान देते कि रिलीजन तो बहुत ज़्यादा वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अभी इन चीज़ों पर ध्यान दे रहा था, रिचुअल्स पे, मास मोबिलाइजेशन पे, रैलीज वगैरह पे, स्पीचेस देने पे, और कह रहा था जो भी वर्सायल ट्रीटी में इनजस्टिस हुआ हमारे साथ, लोगों की बेइज्जती हुई, वो मैं रिस्टोर करूँगा, उनकी डिग्निटी सब कुछ सही कर दूँगा। ये देखो लोग ऐसे इकट्ठे होते थे, शपथ वगैरह लेते थे, एकदम रिचुअल्स वगैरह कर रहा है पूरे। रेड बैनर्स जो थे विद स्वास्तिक, ये इसका सिंबल, नाजी सैल्यूट जो देते थे ये सैल्यूट, रिचुअल जब ये स्पीच देता उसके बाद एक रिचुअल सा बन गया था कि भाई अब तालियां तो बजनी, इतनी तगड़ी स्पीच दे दी है इसने, तो इसकी पावर एक ना स्टैब्लिश थी, कर दी थी लोगों में पूरा वो मना लिया था कि भाई हाँ कोई बंदा है पावरफुल। नाजीज हेल्ड मैसिव रैलीज, जो भी नाजीज थे मैसिव रैलीज निकालते थे, पब्लिक मीटिंग्स करते थे हिटलर के लिए सपोर्ट गैदर करने के लिए, और यूनिटी की सेंस लाते थे लोगों में कि चलो हम एकजुट है, जो भी नाजीज हैं वो हम एक जैसे हैं सारे, हमारा एक ग्रुप है, यूनिटी फील होती थी लोगों को। नाजी जो प्रोपेगेंडा था स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर, और इस तरीके से उन्होंने लोगों ने चीज़ें करी नाजी पार्टी ने कि हिटलर को एज अ मसीहा दिखाया, जैसे यही है आपका मसीहा, यही आपको सेव करेगा इस सिचुएशन में जिसमें आप अभी हो। 1932 में ये बन चुकी थी लार्जेस्ट पार्टी, मैंने आपको बताया अभी 37% ऑफ वोट से, फिर डिस्ट्रक्शन हो गई, डेमोक्रेसी जो बनने की कोशिश भी हो रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी जो बनाई थी उसका तो नाश हो ही गया बिल्कुल ही एकदम। 13 जनवरी 1933 में हिटलर को ऑफर हुई चांसलरशिप के, आप चांसलर बन जाओ, हाईएस्ट पोजीशन बोलते जिसे कैबिनेट मिनिस्टर्स की। प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग थे, उन्होंने ये इनको पोजीशन ऑफर की। हिटलर ने क्या किया, अब एकदम से तो रूलर नहीं बनेगा ना बंदा, एक तो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर था, उसको अब मिल चुका है भाई डेमोक्रेसी में आने का मौका, वो बन गया चांसलर। हिटलर जो था उसने भाई अब तो कह दिया कि चलो भाई पावर आ गई, अब तो फॉर्मल लेवल पे अब डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है उसे ही खराब कर दो। फायर द फायर डिग्री अब वहाँ पे एक पार्लियामेंट में लग गई बहुत मिस्टीरियस सी आग। 28 फरवरी 1933 में फायर डिग्री इसने निकाल दी कि भाई ये मेरा रूल आ गया। मैंने बताया ना इमरजेंसी में जैसे होता है एक अलग से रूल निकल जाता है, प्रेजिडेंट जो चाहता है वो हो जाता है, तो इसने जितने भी सिविल राइट्स है वो छीन लिए लोगों से कि ये तो हो गए सस्पेंड, और जो कि कहाँ से मिले हुए थे वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से लोगों को, वो इसने छीन लिए। फिर ये एक तरीके से यही हो गया अल्टीमेट रूलर की, ये जो डिक्री रूल निकाल देगा ऑर्डर कर देगा उसी से चीज़ें होंगी, ये कहने के लिए रह गया अब तो कॉन्स्टिट्यूशन खराब कर दी डेमोक्रेसी। देन ही टर्न डाउन हिज आर्च एनिमीज, जो फिर जो कम्युनिस्ट थे जो इसके दुश्मन थे उनकी इसने बैंड बजानी स्टार्ट की। द रिप्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट वॉज सीवियर, जो कम्युनिस्ट को जिस तरीके से उन्होंने दबाया है ना वो बहुत पूरी तरीके से किया। मोस्ट ऑफ देम वर हरीडली पैक्ड ऑफ टू न्यूली एस्टेब्लिश कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में उसको ले गए, ज़्यादातर लोगों को जो भी इनके एनिमीज थे। अब कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स वगैरह जो थे वहाँ पर लोगों को मारा जाता था, पीटा जाता था, बड़ी बेकार कंडीशन थी। अभी बताऊँगी आपको कैसे आगे आपको दिखाऊँगी। दे वर हाउएवर ओनली वन अमंग द 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स प्रोसिक्यूटेड बाय नाजीज अक्रॉस द कंट्री, मतलब ये तो सिर्फ एक ही टाइप के लोगों की बात है कम्युनिस्ट की, 52 टाइप्स अलग अलग विक्टिम्स हैं जिनको नाजीज ने मारा। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में जूज वगैरह, जिप्सीज वगैरह, ब्लैक पीपल, बहुत सारे लोग थे। आउट ऑफ 6808 अरेस्ट फाइल्स इन अ स्मॉल सिटी, मतलब एक स्मॉल सिटी थी वहाँ पर अरेस्ट फाइल कितनी थी 6808 की, और जिस स्मॉल सिटी में हाफ अ मिलियन पॉपुलेशन रहती थी जिसका नाम था ये, 1440 ओनली कम्युनिस्ट थे उसमें से जिनको अरेस्ट करने का वारंट निकला हुआ था। फेमस इनेबलिंग एक्ट पास हुआ 3 मार्च 1933 में, जिसने सारी पावर हिटलर को दे दी, डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश हो गई कि अब कोई कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी नहीं, हिटलर आ गया भाई पावर में ये इनेबलिंग एक्ट के थ्रू 1933 में। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज बैन कर दी गई, सर्विलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस खुद की बन गई, कुछ तो जो थी अब इसने कुछ स्पेशल फोर्सेस बना ली अलग अलग कामों के लिए, और सोसाइटी को अपने हिसाब से चलाना इसने स्टार्ट किया। जितनी भी पावर थी हिटलर की, हिटलर ने ऑल पावर्स टू हिटलर टू साइडलाइन, पार्लियामेंट की जो भी पावर थी वो हो गई साइड, और हिटलर रूल करता था डिक्री के थ्रू, जो अलग से ऑर्डर वो निकालता था। ऑल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस बैंड, एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मिल गई थी ये जो इसने अलग सी फोर्सेज बनाई थी, एक तो स्टॉर्म ट्रूपर्स थे, एक थे गेस्टैपो सीक्रेट पुलिस, एक एसएस पुलिस, इनको मिल गई भाई ज़्यादातर पावर, और इन्हीं की वजह से जो इनके काम थे इनको क्रिमिनल रेपुटेशन मिल गई थी नाजी स्टेट को, जो इन्होंने किया था इतना बुरा बर्ताव लोगों के साथ। पीपल डिटेन्ड इन गेस्टैपो टॉर्चर चेंबर्स राउंडेड अप एंड सेंट टू द
कंसंट्रेशन कैंप्स, मतलब पहले जो गेस्टापो टॉर्चर चेंबर्स में लोग जाते थे, फिर वो बाद में कहाँ पे जाते थे, कंसंट्रेशन कैंप्स में, पीपल आइसोलेटेड एंड डिटेन, मतलब उनको अलग से करके बिल्कुल ही सोसाइटी से वहाँ ले जाते थे और तार बांध देते थे आसपास, वहीं उन्हें रखते थे। बताओ, जैसे भेड़ बकरियों को, कैटल को ट्रीट किया जाता है, वैसे वहाँ पर उनके साथ फिर ट्रीटमेंट हो रही थी कंसंट्रेशन कैंप्स में। मेन जो सोसाइटी होती है उससे अलग आइसोलेट कर दिया था बिल्कुल ही। पीपल डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट लीगल प्रोसीजर, जब इनका जिसको मन करता था उसको एक जगह से दूसरी जगह डिपोर्ट कर देते थे और अपनी मर्जी से बिना किसी लीगल प्रोसीजर को फॉलो किए अरेस्ट कर लेते थे। स्टेट एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। अब ये जो चीज़ें हैं मेन पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी के, जुडिशरी, आर्मी, मीडिया, जिसमें लोगों की फ्रीडम होती है अपनी व्यूज़ एक्सप्रेस करने की, जस्टिस होता है, उस पर इसका कंप्लीट कंट्रोल कर लिया था इसने। डेमोक्रेसी तो वहाँ पर रही नहीं, समझ लो। तो अब भाई ये सिचुएशन हो गई, अब रिकन्स्ट्रक्शन तो हो ही रही है। जो इसने एक था इकोनॉमिस्ट हजाल मार, ये इस बंदे का नाम था, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हिटलर ने कि आप रिकन्स्ट्रक्शन करो, इकोनॉमी हमारी सही रहनी चाहिए। ही इनिशिएटेड द स्टेट फंडिंग वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, इसने एक प्रोग्राम निकाला कि स्टेट फंड करेगी, पैसा डालेगी, वर्क क्रिएट हो ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, प्रोडक्शन हो। वैसी जर्मनी की हालत ख़राब चल रही है, क्राइसिस से बाहर निकालना है हमें। तो यहीं से वॉक्सवैगन, जो कार हम बात करते हैं जिसके बारे में, वो यहीं से स्टार्ट हुई, इसी की देन थी वो इस बंदे की, इस टाइम की, हिटलर की। कुछ अच्छा हो गया इनडायरेक्टली। अब फॉरेन पॉलिसी कैसी थी उस टाइम पे हिटलर की, क्विक सक्सेस थी, जो भी जल्दी इसको सक्सेस मिल गई इसमें भी। इसने लीग ऑफ नेशंस जो ग्रुप था 1933 में, उससे बाहर आ चुका था, ये ग्रुप होता है ना अलग अलग नेशंस का, उससे इसने बाहर आ गया। ही री ऑक्यूपाइड राइनलैंड, जो फ्रांस ने कैप्चर कर लिया था, इसने री ऑक्यूपाई किया 1936 में। देखो थोड़ी थोड़ी अच्छी चीज़ें करा, लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ा फिर इस पर। इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938, ऑस्ट्रिया का ये था ही और जर्मनी और ऑस्ट्रिया को इन्हें एक कर दिया, बिल्कुल इंटीग्रेट कर दिया अंडर द स्लोगन, किस स्लोगन के चलते, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, एक ही लोग हैं, एक ही एम्पायर और एक ही लीडर हूँ, जो कि हूँ मैं। ही देन वेंट ऑन टू रेस्ट जर्मन स्पीकिंग स्वीडेंटलैंड फ्रॉम ये स्लोवाकिया एंड गॉबल्ड अप द इंटायर कंट्री, मतलब फिर यहाँ पे इन्होंने जर्मन स्पीकिंग पीपल, मतलब यूनिटी सी क्रिएट कर रहा था लोगों के अंदर। हिटलर हैड अनस्पोकन सपोर्ट, और इंग्लैंड का भी सपोर्ट था, बोल के डायरेक्ट सपोर्ट नहीं था मगर इसे पता था ये हमें प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं, सपोर्ट तो कर रहे हैं। कंसिडर्ड द वर्सेल वर्डिक्ट टू हार्ड, क्योंकि इंग्लैंड वालों को भी ना ये जो वर्डिक्ट था, वर्सेल्स ट्रीटी जो हुई थी, वो हार्श लग रही थी, इतना कुछ इन्हें पे करना पड़ा। ही चोज अ वॉर एज अ वे आउट टू इकोनॉमिक क्राइसिस, अब इस बंदे ने इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने का जो सॉल्यूशन समझा वो क्या समझा, वॉर, यही है सॉल्यूशन। वैसे तो हम निकल नहीं पाएंगे, लड़ो, अपनी टेरिटरी बढ़ाओ, तभी हमारी पावर इस्टेब्लिश होगी और हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा और जो सिचुएशन हो गई है हमारी इम्प्रूव हो जाएगी। पावर में आओ, लड़ो, लड़ाई इज द ओनली सोल्यूशन, ये इसकी आइडियोलॉजी थी। अरे चल भाई लड़ ले तू, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी जर्मनी में क्यों इतना बुरा हाल किया। रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूबुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, और इसने कहा कि जैसे जैसे हम अपनी कंट्री की टेरिटरी, वो अपनी नेशन को बढ़ाएंगे, टेरिटरी बढ़ाएंगे, कब्जे करेंगे, उसी से हम रिसोर्सेज भी हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे। तो एक बंदा था ये शेस्ट, इसने एडवाइस किया हिटलर को कि भाई इतने पैसे मत लगा इन चीज़ों पे जो तू कर रहा है, लड़ाई वगैरह को प्रमोट, एग्रेसिव जो तेरी आइडियोलॉजी चल रही है, और अपनी डेफिशिट फाइनेंसिंग जो तू कर रहा है इस तरीके से कि हमारा जो भी नुकसान है उसकी भरपाई ऐसी ही होगी, ये मत कर। लेकिन भाई नाजी जर्मनी में कॉशियस पीपल का तो कोई रोल नहीं था जो संभल के सावधानी से कुछ काम करे, तो इस बंदे की बात हो गई इग्नोर, इसको जाना पड़ा। और हिटलर ने चूज की क्या, वॉर, वर्ल्ड वॉर टू की। अब आपको समझ पूरा प्रोसेस आ चुका होगा, वर्ल्ड वॉर वन में इसने पार्ट लिया, हार चुका था, सिचुएशन खराब थी वहाँ पे, एकदम डिप्रेशन आ चुका था, तो लोगों को कोई और दिख नहीं रहा था, डेमोक्रेसी फेल हो चुकी थी, तो ये राइज हुआ पावर में, प्रोपोगेंडा चलाए, रिचुअल्स किए इसने, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसने सोचा दिस इज द मौका, समझने के बाद में ही समझा, और इसने जर्मनी में सब कुछ खराब करना शुरू किया। वर्ल्ड वॉर टू पे आ जाते हैं। इन सेप्टेम्बर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, पोलैंड में घुस गए ये लोग और एक वॉर स्टार्ट कर दी विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। बताओ, जिसका सपोर्ट बता रहा था उसको भी नहीं छोड़ा इसने। सितंबर 1940 में ट्राइपार्टाइट पैक्ट एक होता है जो साइन किया, जैसे ट्रीटी होती है वैसे एक पैक्ट होता है,
किसके बीच में साइन हुआ? जर्मनी, इटली और जापान के बीच में। पपेट रिजीम सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी वर इंस्टॉल्ड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप। अब जो नाजी जर्मनी ने कह दिया वैसी रिजीम चलने लग गई लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप में, जहां जहां ये एक्सपेंड कर रहा था अपनी टेरिटरी को। एक पपेट एकदम कठपुतली वाला सिस्टम चल रहा था, लोगों बेचारे कठपुतली बन के रह गए थे जो लोग। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वॉज द पिनाकल ऑफ हिज पावर। 1940 तक इसे एकदम पावरफुल बंदा बन चुका था, एकदम पीक पे चला गया था, पिनाकल ऑफ पावर। हिटलर वॉन्टेड टू इंश्योर फूड सप्लाई एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन। अब ये जर्मन्स के लिए ही अच्छा सोचता था बस, और किसी के लिए नहीं सोचता था। कि फूड सप्लाई अच्छे से होनी चाहिए, रहने के लिए अच्छा स्पेस मिलना चाहिए, जो कि पहले इनको नहीं मिल पा रहा था वर्ल्ड वॉर वन के बाद के टाइम की वजह से। हिटलर नाउ मूव टू अचीव। अब इसका लॉन्ग टर्म एम था कि ईस्टर्न साइड का जो यूरोप है उसको मैं कॉन्कर करूँगा, तो इसने स्टार्ट किया इसके टूवर्ड्स काम करना। ही अटैक सोवियत यूनियन पे, इसने अटैक किया 1941 जून में इन हिस्टोरिक ब्लंडर, जो कि हिस्टोरिक ब्लंडर बताया जाता, बहुत बड़ी मिस्टेक हिटलर की, जिसने जर्मनी को वेस्टर्न फ्रंट है जो ब्रिटिश एयर बॉम्बिंग हो गई इन पे, अगर ये ऐसे नहीं करता, उधर बढ़ने की कोशिश नहीं करता, तो ब्रिटिशर्स जो थे वेस्ट साइड के वो इस पे बॉम्ब नहीं गिराते, और ये वर्ल्ड वॉर टू में भी नहीं हारते। यूएस ने वैसे वहाँ पे जापान में वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, टू के टाइम पे बॉम्ब वो किया था हिरोशिमा नागासाकी, तो वो वर्ल्ड वॉर टू से एंड हुई थी। बट यहाँ पे हिस्टोरिक ब्लंडर बताया गया इसकी ये गलती को, कि ये उस साइड बढ़ा भी सोवियत यूनियन पे इसने अटैक किया। अब सोवियत यूनियन रशिया में इतनी एस्टैब्लिश्ड, इतनी पावरफुल कंट्री थी, वो उससे ये पंगा ले रहा था इतनी छोटी सी कंट्री होके। लेकिन भाई ये इसकी अलग ही आइडियोलॉजीज थी, इसलिए ये सब कर रहा था। सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट। अब जब ऐसे पंगे लेगा तो सोवियत आर्मी क्या इसको छोड़ देगी? ह्यूमिलेटिंग डिफीट हो गई, बेस्ती वाली हार कहाँ पे? स्टालिनग्राड जगह थी, वहाँ पे जर्मनी हारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सोवियत आर्मी ने इस्टेब्लिश करी सोवियत हेगेमोनी ओवर द इंटायर ईस्टर्न यूरोप। जहाँ ये कब्जा करना चाहता था वहाँ आप किसकी पावर आ गई? सोवियत आर्मी की, फॉर अ हाफ सेंचुरी देर आफ्टर, हाफ सेंचुरी तक वो दी का रूल रहा। अब जो वर्ल्ड वॉर टू के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एलिड और एक्सिस जो ग्रुप था, यूएस बाद में आया, ये भी मैंने आपको बताया। यूएस क्यों नहीं आना चाहता था वॉर के अंदर? पहले उसकी अपनी रीजन्स थी, कौन अपना नुकसान करवाए, रिसोर्सेज इतने ड्रेन होते हैं, क्या ज़रूरत है, ये लोग लड़ रहे हैं लड़ने, तो एक इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं लड़ रही थी, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी। लेकिन ज़्यादा टाइम तक ये वॉर से दूर नहीं रह पाई। जापान ने क्या किया, वो ना ईस्ट साइड जो यूएस वाली साइड है वहाँ पे एक्सपेंड करना चाह रही थी अपनी पावर। जापान ने एक्सपेंड करने की कोशिश करी, तो अब वो ईस्ट में आना चाह रही है यूएस में, तो यूएस को मजबूर कर रही है, वो तो आराम से बैठी थी, जापान में पंगे लेने थे जापान को, तो वॉर का पार्ट यूएस भी बन गया इस तरीके से। जापान ने क्या किया, अपना सपोर्ट दिया हिटलर को, जर्मनी के साथ हो रहा था वो, और वो यूएस के नवल बेस पर्ल हार्बर जो उनका बेस बना हुआ था यहाँ पे नवल बेस, वहाँ पर पैसिफिक ओशन में बॉम्ब ड्रॉप कर दिया जापान ने। अब बॉम्ब जब ड्रॉप कर दिया उनके बेस पे, तो यूएस छोड़ेगी तो नहीं, वो पर रिटेलिएट करेगी, तो जापान में फिर 1945 में एक तो हिटलर हारा सोवियत यूनियन से, और यूएस ने जापान हिरोशिमा जो जगह का नाम है हिरोशिमा नागासाकी, वहाँ पे टू फैट बॉयज जिसे बोलते हैं बॉम्ब एटम बॉम्ब वहाँ पर फेंके, जो जापान जो काफ़ी टाइम तक उससे उबर नहीं पाया, बहुत सारे इफेक्ट्स पड़े लोगों पर बुरे, तो इस एटम बॉम्ब की वजह से उन्होंने जो भी फेस करना था किया, और ये वॉर एंड हो गई वर्ल्ड वॉर टू। जापान भी हार गया, जो बड़ी इकोनॉमी से पंगा ले रहे थे यूएस से वो उधर जापान, और इस साइड ये जर्मनी सोवियत यूनियन से। जब भी तो देखो आज तक यूएस को इतनी बड़ी इकोनॉमी माना जाता है, इतनी पावरफुल, और रशिया की अलग ही वैल्यू है। अब इंडिया की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, बट देखो स्टार्टिंग से ही क्या पावरफुल लोग हैं, जिन्होंने भी इनसे पंगा लेने की कोशिश करी उनका रिजल्ट ये हुआ नागासाकी एंड हिरोशिमा। और फिर वॉर एंड हो गई, पीस आ गई है, एलिड टर्म्स पता ही था, हिटलर भी मर चुका था सुसाइड करके, वॉर एंड हो गई 1945 में। अब ये सब चीज़ें जितनी भी हुई चैप्टर में हिटलर के बारे में, बस हमें इतना ही जानना था ओवरऑल, बट डिटेल में जो उसने बुरा बुरा किया ना, अब आप वो जानो, और लोग वर्ल्ड में उसको क्या देख रहे थे, नाजी वर्ल्ड व्यू क्या, वर्ल्ड व्यू क्या था। देखो नाजी की जो आइडियोलॉजी थी, नाजीज की, हिटलर की जो थी वो सेम ही थी, क्योंकि उसी की पार्टी थी ना, तो ये इक्वालिटी में बिलीव करते थे, और ये रेशियल हायरार्की में बिलीव करते थे, कि इस रेस के बंदे ऐसे हैं, वो सुपीरियर है इस रेस के, वो आर्यंस को ये प्योर मानते थे।
नाजीज बिगैन क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी. इन्होंने स्टार्ट किया कि प्योर जर्मन की एक सोसाइटी होनी चाहिए, जर्मन में बस वही लोग रहने चाहिए, बाकी जितने भी उनको फिजिकली खत्म कर दो, एलिमिनेट कर दो, वो अनडिजायरेबल लोग हैं. ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहाँ पे सिर्फ आर्यंस हो, जूस, जिप्सीज, जितने भी रशियन, पोल्स, जो पोलैंड के लोग थे, इन सबको वो मानता था अनडिजायरेबल. अदर एस्पेक्ट क्या था और क्या सोचता था, ये कि जो भी कॉन्सेप्ट है लेबन सेरम का, उसमें ये बिलीव करता था, यानी कि लिविंग स्पेस. मैंने बताया ना, एक्सपैंड करना चाहता था कि जर्मन को रहने के लिए जगह ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए तो टेरिटरी अपनी एक्सपैंड कर रहा था, लड़ रहा था, कॉन्केस्ट कर रहा था बहुत ज़्यादा जगहों पे. हिटलर का जो रेसिज्म वाला जो इसका वो था आइडिया, ये इसने चार्ल्स डार्विन जैसे थिंकर्स, हर्बर्ट स्पेंसर जैसे थिंकर्स से बोरो किए, जो बड़े बड़े फिलोसोफर स्कॉलर्स थे. ये लोगों ने ऐसी बातें नहीं की थी रेसिज्म की, बट इसने इनकी बातों को अलग यूज़ करके अपने दिमाग में, अब कोई बंदा आपसे कोई बात कर रहा है, आप उसको अच्छे वे में भी समझ सकते हो, गलत भी इन्फ्लुएंस हो सकते हो, तो इसने गलत साइड चुनी. ये हर्बर्ट स्पेंसर थे जिन्होंने बात की थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज़्यादा फिट है वो ही सर्वाइव कर पाता है एक सोसाइटी में, लेकिन इसने अलग ही ले लिया कि जो प्योरेस्ट रेसिज्म है वही सर्वाइव करेंगे. चार्ल्स डार्विन ने बात की थी क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, मतलब ऐसे ऐसे क्रिएशन होती है एनिमल्स और प्लांट की नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू, जिसमें लोगों की इसने कोई बात नहीं की थी, लेकिन इसने ले लिया अपने ऊपर. नाजीज ने अपनी टाइप से मोल्ड कर दी इस बात को और कहा कि भाई जो प्योर रेस वाले बंदे हैं नेचुरल सिलेक्शन में, उनका ही वो ही सिलेक्ट किए जाएंगे, उन्हें कोई प्रेफरेंस दी जाएगी. तो इसने कभी भी चार्ल्स डार्विन ने बंदों का, लोगों का यूज़ नहीं किया, उस तरीके से चीज़ें नहीं बोली, लेकिन जो भी पॉलिटिशियंस होते थे वो इनके व्यूज़ को एज अ शील्ड यूज़ कर लेते थे कि देखो इतने बड़े बड़े फिलोसोफर्स ये कह रहे हैं, स्कॉलर्स ये कह रहे हैं, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, अपने गलत कामों को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे. तो नाजीज ने स्ट्रॉन्गेस्ट रेस मानी आर्यंस को कि यही सर्वाइव कर पाएंगे, बाकी जितने भी वीक है वो पैरिश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. हिटलर की आइडियोलॉजी मैंने आपको बता दिया लिविंग स्पेस वाली. हिटलर नाजिज्म में थोड़ा और जल्दी जल्दी से जान लेते हैं. ये एरिया एक्सपेंड करना चाहता था, पता ही आपको, ईस्ट वर्ल्ड भी इसने जाने की कोशिश करी. मटेरियल रिसोर्सेज बढ़ाना चाहता था जर्मनी में, क्योंकि देख चुका था पॉवर्टी का टाइम, ये कॉन्सेंट्रेट ऑल जर्मन ज्योग्राफिकली, ये चाहता था कि जितने भी जर्मन्स हैं वो यहाँ पे रहे पोलैंड में एक जगह पे. एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी प्योर जर्मन्स की, के हेल्दी और प्योर आर्यंस रहने चाहिए बस, बाकी जितने भी लोग हैं उनको हटा दो, मार दो, बंदू बना लो, या तो सुसाइड कर लेंगे या भूख से मर जाएंगे, या इतना काम करवाओ वो वैसे ही मर जाएंगे. जूस के साथ तो इन्होंने इतना बुरा किया, वर्स्ट सफरर्स जिन्हें बोला जाता था. क्यों इतनी ज़्यादा पर्सनल दुश्मनी ये कर रहा था, क्योंकि ना वहाँ पे लोग बोलते थे कि जूस जो है ना यही जीसस क्राइस्ट को मारने वाले बंदे हैं, इस तरीके से उनको दिखाया गया. तो ज़्यादा पर्सनल ट्रेडिशनल लेवल पे दुश्मनी सी चलती थी जूस के थ्रू क्रिश्चियंस और जूस में. एक तो इसलिए इसने वो निकाली उनसे अपनी एनिमिटी. हिटलर बिलीव्ड इन स्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस, इसे बिलीव करता था कि भैया जो रेस है वही इंपॉर्टेंट है, प्योरिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. इट हैड टू बी सॉल्व थ्रू टोटल, और ये कैसे सॉल्व होगी, टोटल एलिमिनेट करो बाकी के लोगों को. 1933 से 1938 तक नाजीज ने टेरिटरी अपनी बढ़ाने की कोशिश करी, जूस को अलग अलग बांट दिया, जो भी प्योर लोग हैं उन्हें अलग करने की कोशिश करी, जो बाकी उन्हें मारा. 1939 से 45 के बीच में इनका क्या एम था कि सर्टेन एरियाज में उनको बना दिया गैस चेम्बर किलिंग, मतलब गैस चेम्बर में ले जाके मार देते थे, इतना बुरा करता था ये. गैस चेम्बर में लोगों को भर देता था, वहाँ मर जाते थे, और रखता था अलग जगह पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप पे, साइडों में इलेक्ट्रिक वायर्स लगा देते थे कि यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, जैसे कैटल को ट्रीट किया जाता है. और जर्मन्स और जूस की मैरिज अलाउड नहीं थी, बिल्कुल प्रोहिबिटेड थी, क्योंकि अगर उन दोनों की मैरिज हो जाएगी तो इम्प्योरिटी आ जाएगी, प्योर जर्मन तो रहेंगे ही नहीं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अगर हो गया उनका तो वो भी क्राइम माना जाता था इन दोनों के बीच में. मेनली ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स थे उस टाइम पे जो ये जूस काम करते थे, क्योंकि और कोई काम ही कर नहीं पाते थे, और अलग से जो एरियाज बने हुए थे वहीं ये रहते थे बेचारे, जिनको बोलते थे घेटोस. देखो कैसे बांधे हुए हैं वायर, उसके पीछे रह रहे हैं बच्चे भी, और इनको कोई राइट नहीं था कि ये कोई ज़मीन अपने ओन करें, और नेशनल फ्लैग फ्लाई करने के लिए भी इनको मना किया गया था कि नहीं कर सकते, इन्हें कोई राइट नहीं है. और इनको पीरियोडिकली एक वो निकालते ना मूवमेंट सी के अब चलो निकलते हैं जूस को मारेंगे, वायलेंस ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस करते थे, मार देते थे कितने लोगों को, और वो कईयों को तो कंट्री छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया. इनका जो जहाँ पे प्लेस ऑफ वर्शिप था, जैसे मंदिर हमारे होते हैं, इनका सेनानोगस जिसे बोलते थे, वो जला दिए गए. देखो क्या सिचुएशन आ गई थी.
बहुत बुरा किया था इनके साथ, बहुत बुरा। अभी डेथ चेंबर जिसमें ले जाके ये मारते थे ना, वो भी दिखाऊंगी आपको। रेशियल यूटोपिया मतलब जो रेसिज्म चल रहा था वहाँ पे, जिनोसाइड, ये हाहाकार वाली सिचुएशन, ये दोनों चीज़ साथ साथ ही चल रही थी। वॉर तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली रही थी, साथ में ही जिनोसाइड ये चला रहा था अपने यहाँ पे। तो पोलैंड इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, जिसको बांट दिया दो चीज़ों जगह में, एक तो वेस्टी पोलैंड जो कि जर्मनी ने एनेक्स कर लिया था, हड़प लिया था, और जो पोल जाके लोग थे उनको कैटल्स की तरह रखा। अदर पार्ट जिसको बोलते थे जर्नल गवर्नमेंट, डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल, मतलब हार्ड तक के जो भी अनडिजायरेबल है वो वहीं जाएंगे, वही उनकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। कई लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया पोल्स को, और उनका पैसा वैसा सब हड़प लिया गया। मतलब बस ये सब तुम अपना छोड़ दो, ये बस जर्मन्स है, जो एथनिक प्योर जर्मन्स वही इन पे वो रखेंगे अथॉरिटी, तुम्हारा कुछ नहीं है। देखो ये डेथ चेंबर्स, इसके अंदर लोगों को डालते थे और वो ऐसे निकल के आते थे, ये देखो इतना बुरा हाल हो रहा था। इसीलिए तो वर्ल्ड कंडेम कर रहा था, हिटलर ने कुछ भी अच्छा नहीं किया, इतना बुरा किया था उसने लोगों के साथ। जो पोलिश इंटेलिजेंसिया जो लोग थे, मतलब जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग थे, उनको मर्डर कर दिया गया, ताकि जो भी बचे वो बस नौकर की तरीके से रहे। अब पोलिश चिल्ड्रन जो ज़्यादा एकदम आर्यन दिखते थे, उनको उनकी मदरसे से छीन लिया जाता था, और रेस एक्सपर्ट होते थे जो चेक करते थे कि हाँ भाई किस रेस से प्योर जर्मन है नहीं है। अगर वो पास हो जाते थे तो जर्मन फैमिली में रहना उन्हें अलाउड था, वरना ऑर्फनेजेस अनाथ आश्रम में उन्हें छोड़ दिया जाता था। स्कूल्स में इतना डिफ्रेंशिएशन आने गए थे। देखो स्टेप्स ऑफ डेथ्स बताती हूँ, स्पेशली जूस की। 1933 से 1939 के पीरियड में इसने स्टार्ट किया एक्सक्लूजन, पहले अलग करो ये लोग अलग ये लोग अलग, रेशियल टेस्ट वाले टाइम पीरियड की बात हो रही है। और क्या उसका बातें चलती थी कि दे हैव नो राइट टू लिव अमंग अस, हमारे साथ रहने का इनको कोई अधिकार नहीं है सिटीजन्स की तरह। और क्या बात बोलता था मेनली कि इनने क्राइस्ट को मारा है तो ये अब बदला चुकाएंगे। फिर 1940 से 44 के टाइम पे गेटोइजेशन का पीरियड आया, जब ये अलग साइड पे रहने लग गए, बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया था सोसाइटी से, बेचारे पॉवर्टी में और मिजरी में रह रहे थे। बताओ इस सिचुएशन से खुद निकला हुआ है फिर भी ये समझ नहीं पा रहा लोगों की सिचुएशन। जूस हैड टू वियर येलो स्टार, जो भी येलो स्टार था डेविड का वो उन्हें अपने चेस्ट पे ब्रेस्ट पे लगाना होता था एज अ आइडेंटिटी मार्क, जो कि उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स पे घर पे भी स्टैंप किया जाता था। और अपनी वेल्थ, हंगर, डिसीजेज, पुअर हाइजीन, अब गेटोइजेशन हो रही है छोटी सी जगह पे, फेंसिंग के बीच में वो रह रहे हैं, तो क्या वहाँ अच्छी हाइजीन होगी, साफ सफाई होगी? नहीं ना, भुखमरी थी, बहुत बुरा हाल था, बीमारियाँ हो रही थी लोगों को। फिर 1941 में जो फोर्थ स्टेज आ गया ये मरने वाला, वो था एनहिलेशन, अल्टीमेट डाई कर जाओ, अब तुम्हें कोई राइट नहीं है जीने का भी, अब जाओ डेथ चेंबर, ये देखो इसमें जाओ, मुर्गियों की तरह पक के निकलो। छी, इतना बुरा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, चाहे एनिमल्स हो चाहे लोग हो, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो खाओ यार। यूथ इन नाजी जर्मनी, स्कूल्स क्लींज्ड एंड प्योरीफाइड, स्कूल्स को क्लीन किया गया, प्योरीफाई किया गया, जैसे तो वो ख़राब हो गए हों। अनडिजायरेबल जो वो जिनको ये बोलते थे अनडिजायरेबल, इनकी कोई जरूरत नहीं, उनको स्कूल से भी बाहर फेंक दिया गया। यूथ की सिचुएशन बता रही हूँ मैं आपको। हिटलर ने सोचा कि जो स्ट्रांग नाइजी सोसाइटी है ये तभी होगी जब लोगों को, बच्चों को भी स्कूल में नाइजी की जो बातें हैं, आइडियोलॉजी जो बातें विचार हैं उनके, वो बच्चों को भी सिखाए जाए स्कूल्स में। टीचर्स जो थे जूज उन्हें अनडिजायरेबल समझा गया, डिसमिस कर दिया गया, बच्चों में भी भेदभाव हो गया, ये जर्मन से ये जूज है, साथ में नहीं बैठेंगे ना साथ में खेलेंगे। और फाइनली जो चिल्ड्रन थे उन्हें भी कहाँ जाना होता था, गैस चेंबर में, बताओ, बच्चों को भी नहीं छोड़ा इसने। टेक्स्ट बुक्स वर री रिटन, जितनी भी टेक्स्ट बुक्स थी दोबारा से लिखी गई, और स्पोर्ट्स वगैरह जो भी था, वॉयलेंस वगैरह ज़्यादा सिखाने लग गया, अग्रेशन लेके आया बच्चों में, ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी। यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनी, 10 ईयर ओल्ड हैड टू एंटर यंग वॉल्क, ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी। 10 साल का बच्चा हो जाता था तो इसका पार्ट उसे बनना पड़ता था, और 14 की एज तक सब बॉयज़ को हिटलर यूथ को ज्वाइन करना होता ही होता था। हिटलर यूथ भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बताती हूँ आपको। और 18 तक होते होते लेबर सर्विस काम करने में इनको स्टार्ट कर देना था काम, ऐसी यूथ की सिचुएशन थी उस टाइम पे। और हेड टू हेड ये मस्त था कि इन्हें आर्म फोर्सेज में काम करना, कि खुद ने किया था उसने तो लोगों को भी ऐसे करवा रहा था, या फिर किसी ना किसी नाजी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनो। यूथ लीग थी ऑफ नाजीज, यूथ लीग ऑफ नाजीज जो कि फाउंड हुई थी 1922 में, 4 साल बाद उसका नाम बदल के हो गया था हिटलर यूथ, जिसका पार्ट बनने के लिए यहाँ पे बात हो रही है। 14 साल की होती है सब बच्चों को। अब मदरहुड वाला क्या सिस्टम था उस टाइम पे, जो लोग वुमन्स के साथ होता था, एक तो बोला जाता था कि जो वुमन्स से टोटल डिफरेंट है मेन से, बराबर होने की सोचो भी मत, और ये जो लोग लड़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के लिए, इक्वल राइट्स के लिए, वो तो पागल लोग हैं एकदम, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं सोसाइटी को, बस और कुछ नहीं है, आपके मतलब की वो चीज़ नहीं है। बॉयज़ को एग्रेसिव मैस्कुलिन, ऐसे स्टील का हार्ट वाले बंदे, ऐसा उन्हें
बताया जाता था कि तुम ऐसे टाइप के लोगों ऐसे मेंटेन करो खुद को, वुमन को बोला जाता था बस आपका काम है गुड मदर बनना और प्योर ब्लडेड आर्यन, प्योर बच्चे आर्यंस पैदा करना। अगर आपने किसी और के साथ शादी करने की कोशिश करी या कुछ और करने की आपने कोशिश करी, किसी भी तरीके से जूस की तरफ आपने अट्रैक्ट होने की कोशिश करी, आप झेलोगे पनिशमेंट। पता नहीं कहाँ से ये लोग ये सब चीज़ें लेकर आते हैं दिमाग के अंदर, इतनी डिस्क्रिमिनेशन रेस के बेसिस पे, कभी कास्ट के बेसिस पे, कभी रिलीजन के बेसिस पे, पता नहीं क्या है। अपना हाथ काट के देखो, किसी दूसरे इंसान का जो ब्लड निकलेगा ना वो सेम होगा। ये यहीं आके लोगों ने बना दिया है ये डिस्क्रिमिनेशन, भगवान ने सबको इक्वली बना के भेजा है। इतना पढ़ लिखने के बाद भी आज तक डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म ही नहीं हो रही है, अलग ही विचारधाराएं चल रही है लोगों की। थोड़ा भाई दिमाग अपना इवॉल्व करो, अच्छी चीज़ें ह्यूमैनिटी के नाम की चीज़ें देखो, एक मोरालिटी देखो क्या है क्या नहीं है। फालतू के बिलीव्स लेकर बैठे हैं आज भी लोग। अदरवाइज पनिश्ड सीवियरली, अगर जो भी मदर्स ये सब चीज़ें नहीं करना चाहती थी, मतलब कुछ भी करती थी तो उन्हें पनिशमेंट मिलती थी, बहुत बुरी, बहुत ज़्यादा बुरी। और जो गुड मदर्स अब अच्छे से यही काम करती थी जो इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, उनको हॉस्पिटल में भी फेवर्स मिलते थे, ट्रीटमेंट मिल जाती थी और शॉप्स पे कंसेशन मिल जाते थे, थिएटर में, रेलवे की टिकट्स में डिस्काउंट्स मिल रहे थे। और जो बच्चों को भी यही सिखाने को उनको बोला जाता था, नाजी वैल्यू सिखाओ, गर्ल्स को बोला जाता था डिस्टेंस बना के रखो अनडिजायरेबल से और जूस से। और पनिशमेंट कैसे मिलती थी देखो, बाल ही काट दिए जाते थे, मुंह काला कर दिया जाता था और उनकी परेड लगाई जाती थी, गले में वो डाल दिया जाता था एक फंदा सा, और ये बुलवाया जाता था कि मैंने अपनी नेशन के ऑनर का नुकसान पहुंचाया है, नेशन की बेइज्जती की है। कईयों को जेल भी कर देते थे और अपनी हस्बैंड और फैमिली छूट जाती थी इनकी क्रिमिनल ऑफेंस की पनिशमेंट के तौर पे। और जो औरतें चार बच्चे पैदा करती थी उनको ब्रॉन्ज मेडल मिलता था, जो छः करती थी उन्हें सिल्वर, और जो आठ या उससे ज़्यादा करती थी उन्हें गोल्ड मेडल। बताओ इतने बच्चे पैदा करोगे तो आपको इतना अवार्ड मिले, यह हिटलर के टाइम पर हो रहा था। अब प्रोपेगेंडा जो ये चला रहा था किस टाइप का, इसने कभी भी ना किलिंग और मर्डर टर्म यूज़ नहीं की, ऑल दो ये कर रहा था लेकिन इस तरीके से वर्ड्स इसने यूज़ नहीं किए, उनके अलग ही नाम दे रहा था। वो जो ज़्यादातर इकट्ठे मास किलिंग वो करता था बहुत सारे लोगों की, उसको बोलता था स्पेशल ट्रीटमेंट फाइनल सॉल्यूशन फॉर जूस, स्पेशल ट्रीटमेंट। यूथेनेशिया डिसेबल्ड को, जो ये एक जहर होता है ना जो लगा देते हैं इंजेक्शन के, जो ये डिसेबल्ड जो परेशान बंदा होता है उसको इंजेक्शन लगा के मार देते हैं, वो वर्ड इसके लिए यूज़ कर रहा था डिसेबल्ड के लिए। और बोलता था सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन हो रहा है, जैसे सेग्रीगेशन करता था डिसइंफेक्शन, जैसे लोगों को दूसरों को इन्फेक्शन है वो डिसइंफेक्ट कर रहा है ये। इवैक्यूएशन जब गैस चैम्बर्स में लेके जाता था उसे बोलता था इवैक्यूएशन, जिसे कहते हैं बचाना। बताओ नाजी रिजीम यूज लैंग्वेज एंड मीडिया, मीडिया पे कंट्रोल तो था ही और उसका इस्तेमाल उसने किया, जैसे कर सकता था। फिल्म्स भी ऐसी लाता था जो अपनी आइडियोलॉजी ये दिखाता था, जिसमें जूस के प्रति हेट इसने पूरी मेंटेन कर दी थी, फैला दी थी। पिक्चर्स, रेडियोस, पोस्टर सब उसी के हिसाब से चलते थे। माइंड्स जो लोगों का दिमाग था उस पर इसने काम किया, इमोशंस के साथ उनको खेला, एकदम हेट्रेड पैदा करवा दी जूस के लिए, एंगर गुस्सा सब कुछ अनडिजायरेबल्स के लिए। डिसइंफेक्शन, और जो गैस चैम्बर थे उन्हें बोलता था डिसइंफेक्शन एरियाज, जो वैसे लगते थे बाथरूम के जैसे फेक शॉवर लगे हुए हैं जिसमें। एनिमीज ऑफ जर्मन्स थे, जो जितने भी जर्मन्स के दुश्मन थे उनका मजाक उड़ाया जाता था और उनको ईविल दिखाया जाता था। और फिल्म्स भी ऐसी आती थी सारी, जूस को तो ऐसे दिखाया जाता था कि बड़ी बड़ी बियर्ड वाले हैं, कप्तान पहने हुए, बट रियलिटी में अगर देखा जाता था तो जर्मन जूस को बांटना ना, एकदम डिफरेंस देखना उनमें बहुत मुश्किल था। और उनको ऐसे दिखाया जाता था कि कुत्ते बिल्ली हैं, बिल्कुल ही कीड़े मकौड़े, पेस्ट रहेंगे जूस। और इनकी मूवमेंट अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे तो वो रोडेंट्स की तरह जा रहे हैं, मतलब जानवर जैसे मूवमेंट करते हैं, इतनी बुरी तरह। बताओ क्राइम और ह्यूमैनिटी ये जो हो रहा था उसको ऑर्डिनरी लोग कैसे देखते थे वहाँ के। देखो ज़्यादातर जो लोग थे नॉर्मल लोग, वो तो जो नाजी दिखा रहा था नॉर्मल माइंड्स, वो जैसे ड्रेन करेगा, वो वॉश करेगा, ब्रेन वॉश करेगा, वैसे ही वो देखेंगे, वो तो वैसे ही देख रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें तरस आता था बट वो कुछ कर नहीं पाते थे, वो देखते थे बस, हम बोलेंगे भाई हम भी पिटेंगे मरेंगे। एट टाइम्स कई जूस थे जो पता है ऐसी सिचुएशन ये लिया था, कई जूस तो खुद के बारे में ही वो सोचने लग गए थे जो नाजी बोलता था। मतलब किसी को आप परेशान करोगे, कोई काला है उसके बेसिस पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट करोगे तो वो एक टाइम के बाद यही सोचने लग जाता है हाँ भाई मेरे साथ इसलिए कर रहे क्योंकि मैं काला हूँ। बल्कि चाहे मेजोरिटी आपके साथ अगर कुछ गलत कर रही है ना, गलत तो गलत ही है और सही सही ही होता, चाहे एक ही बंदा उसके सपोर्ट में हो। तो कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी लेवल पे होती है उसको कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर लोग ही करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, सभी करते हैं। सबको अपने एंड पे देखना चाहिए कि हम किसी भी लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन ना करें। एजुकेशन का क्या फ़ायदा अगर आप एजुकेट हो रहे हो तो, जब आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, या किसी के ज़्यादा रिच होने पे, पुअर होने पे, किस फ़ायदा, क्या फ़ायदा आपको एजुकेट करने का फिर।
जो भी लोग आपके दिमाग में ये बात डाल रहे हैं, चाहे वो आपसे बड़े हैं, एजुकेटेड है, कोई भी है, गलत है, वो उसके खिलाफ बोलो, और अगर नहीं बोल सकते हो एटलीस्ट वो फॉलो ना करो, ताकि आगे की सोसाइटी बेटर बने। जो ये बुरी चीज़ें चलती आ रही हैं उसे तो ख़त्म करो, इससे कोई रिलीजन या कुछ ख़राब नहीं होता। अगर आपके दिमाग इवॉल्व्ड है तो आप समझ पाओगे ये चीज़ें, अगर नहीं है तो कंजर्वेटिव जैसे तो लोग होते ही है एक सोसाइटी में, बहुत अलग अलग टाइप्स के लोग होते हैं जो अभी तक भी हैं। कुछ लोग हैं जो सती प्रथा को भी अच्छा मानते थे, कुछ लोग हैं जो उसको गलत मानते थे कि चलो ह्यूमैनिटी के खिलाफ वाला, सबके अपने अपने व्यूज़ है, लेकिन अच्छी चीज़ें ह्यूमैनिटी तो देखनी चाहिए, वो तो सबसे ऊपर रखनी चाहिए ना हमें, सारे कंक्लूजन और जस्टिस वहीं मिल जाते हैं हमें। बट नॉट एवरी जर्मन वॉज नाजी, मैनी जितने भी जर्मन थे सारे नाजी नहीं थे, कुछ ऐसे थे जो रेजिस्ट भी करते थे, जिनको बहादुरी दिखाई, जिन्होंने पुलिस से नहीं डरे, डेथ से नहीं डरे। उनमें से एक था पेस्टर नेमोलर, ये रेजिस्टेंट फाइटर थे। देखो अच्छे बंदे की बात हो रही है ना यहाँ पे, प्रोटेस्ट किया इसने, कई बार क्राइम्स के बारे में लिखा भी इसने, और कई थे जो बेचारे कुछ कर नहीं पाते थे, बस देखते ही थे, डरते थे कुछ भी प्रोटेस्ट करने में। एक थी शार्ले बेट, जिन्होंने सीक्रेटली जूस के जो ड्रीम्स थे वो लिखे अपनी डायरी में, जिसका नाम था थर्ड रीक ऑफ ड्रीम्स। अब जो ये होलोकास्ट हुआ, इसकी नॉलेज वर्ल्ड में हुई, बहुत ज़्यादा लोगों तक गई वर्ल्ड वॉर टू के बाद ही लोगों को पता चला कि क्या क्या हुआ वहाँ पे, वरना पता ही नहीं चलता। बेचारे जूस सोच रहे थे मरने से पहले कि हम थोड़ी देर के लिए बच जाए, ताकि लोगों को बता पाए कि हमारे साथ देखो क्या कर रहा है ये हिटलर, इतनी बुरी उनकी सिचुएशन वो कर दी थी उन्होंने, कि सोच रहे थे मरने से पहले थोड़ा सा बच जाएं, जो हम लोगों को वर्ल्ड में ये स्प्रेड कर पाए हमारी सिचुएशन, कोई हेल्प मिल जाए हमें कहीं से। और वो दे जस्ट वांटेड टू लिव, बस वो जीना चाहते थे, चाहे वो थोड़ी सी देर के लिए हो। हॉलोकास्ट जो सिचुएशन करी थी ना उसने, उसे हॉलोकास्ट के नाम से बोला जा रहा था, बहुत गलत जो सिचुएशन इंसिडेंट हो जाता है। डेनमार्क ने सीक्रेटली, जो डेनमार्क कंट्री है, वहाँ से अपने जूस को जर्मनी में जो थे वहाँ से सीक्रेटली रेस्क्यू भी किया, उस टाइम पे ये सब भी इवेंट्स हुए। और महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने भी हिटलर को एक लेटर लिखा माय डियर फ्रेंड हिटलर करके, कि भाई ये जो सब कर रहा है मत कर, ऑल दो फ़ायदा कुछ हुआ नहीं इसका, बस दिस इज़ ऑल अबाउट हिटलर एंड नाजिज्म। PDF चाहिए हो तो कमेंट कर दो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विनायका भाई मानसी।